नाम है एडी और रोहित देसाई और भाई को मैं दे रहा हूँ अपनी, लो भाई पकड़ लो एटीएम बाइक। तो जी फाइनल चेकअप हो गया है। इसको लगाने में पता है कितना टाइम लग गया? 2 घंटे। ये वो इफेक्ट है, साइड इफेक्ट जिसे कह सकते हैं, साइड इफेक्ट ऑफ नॉट गोइंग ऑन अ राइड। आज हम निकल रहे हैं काफी टाइम बाद राइड से और काफी टाइम बाद मैं व्लॉग कर रहा हूँ। इसका रीजन अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे तो पता लग गया होगा, नहीं किया तो फॉलो कर दीजिए, यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे लिंक आ जाएगा। एक्चुअली हाथ में फ्रैक्चर हो गया था कोरोना के बाद, तो थोड़ा सा जो टाइम है वो मैं चाहता था अपने लिए सोशल मीडिया से थोड़ा दूर होने के लिए। अभी थोड़ा व्लॉग करने में भी ना जीव सीफ चल रही है, वो हो जाएगा धीरे धीरे ठीक। तो फाइनली साल की पहली राइड है और मेरी ऑफिशियली ये पहली सोलो राइड है। मैं जा रहा हूँ देहरादून किसी कारण से, वो आप जब पूरा व्लॉग देखेंगे तो एंड में पता लग जाएगा आपको। तो यार अपनी राइड को स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है और धीरे 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 काम करते 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 1 घंटा लेट हो गया हूँ मैं। तो लेट्स गो, लेट्स सी यू ऑन दी मोटो व्लॉग। तो यार पेट्रोल डलवा लिया है और अब मैं जो है अपना गूगल मैप है उसको ऑन कर देता हूँ। तो हम यहाँ से अपना जो है स्टार्ट करेंगे जर्नी को। पूरा मैप है ये, हमें मेरठ से निकलना है मुजफ्फरनगर होते हुए। तो यार जैसा कि मैं कह रहा था, इनिशियली जो है थोड़ा जो रास्ता है आपको अपनी लॉन्ग राइड का वो चलाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है कुछ लोग आते हैं कुछ लोग जाते हैं, तो थोड़ा एडजस्टमेंट में जो है मास्क फिट होने पे टाइम लग जाता है। तो यार ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है आज, एक्चुअली थोड़ी लेट मैंने आज राइड स्टार्ट करी है ये वाली, थोड़ी लेट चाहता भी था क्योंकि शोर देख रहे हो कितना हो रहा है। लेट स्टार्ट करने का रीज़न ये है कि वही सुबह जो था कोहरा बहुत ज़्यादा था। वेदर प्रेडिक्शन तो ये है कि आज सनी डे होगा, पर मुझे लग नहीं रहा, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ वैसे वैसे कोहरा बढ़ता जा रहा है। फिलहाल मैं हूँ मोहन नगर, यहाँ से मुझे लेफ्ट लेना है और मेरठ। तो कैसा लगता होगा यार, कैसा लगता होगा इतने दिन बाद स्कूल जाना यार, पूरा 1 साल आपने घर पे गुजार दिया। मेरे जितने फ्रेंड्स हैं उनमें से किसी का फेयरवेल नहीं हो रहा, तो वो लोग थोड़े से अजीब से हो रहे हैं इस समय, पर ठीक है यार, इतनी बुरी महामारी थी वो टाइम निकल गया, अब वैक्सीन आ गई है तो थोड़ा रिलीफ तो है। यार सुबह से जिस चीज की तलाश थी, सूर्य देवता की तलाश थी, उन्हें फाइनली दर्शन दे दिए। और ये एक फेलो राइडर्स का ग्रुप दिख रहा है मुझे, यहाँ से राइड लेना पड़ेगा, सीधा रोड रुड़की निकल जाता है, हम रुड़की नहीं जाएंगे, हम सतौली होते हुए निकलेंगे। यार घर से जब निकला था ना तो दिमाग में बहुत अजीब अजीब सी फीलिंग आ रही थी, क्या होगा कैसे होगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पर अब जब आधे रास्ते आ गया हूँ तो फीलिंग खत्म हो गई है। हमें यहाँ से कच्चे रास्ते पे जाने के लिए कह रहा है गूगल बाबा, कच्चे रास्ते पे लेके मेरे ख्याल से ये मेन जो हाईवे है उस पर चला देगा। ओ भाई मिट्टी है यहाँ पे, देख के थोड़ा लेना पड़ेगा। हेलो जी, तो मैंने खतौली क्रॉस कर लिया है, अराउंड 110-120 किलोमीटर के अराउंड मेरी राइड हो गई है। मौसम का हाल तो यही है कि मौसम सही है, सूर्यदेव का निकल गए हैं और मैं थोड़ा यहाँ पे रुका था जस्ट टू अटेंड सम कॉल्स, कुछ कॉल्स आ रही थी ऑफिस की। अब कहीं रुकते हैं यार, खाना थोड़ी ना, खाना खाने की तलब सी जो पीछे भी हो रही थी ना उसको कंट्रोल किया था, पर अभी वो दोबारा उठ गई है। सो ठीक है, कुछ खाते हैं और देखते हैं कौन सी जो बढ़िया चीज़ है आपको, रेस्टोरेंट कौन सा बढ़िया रेस्टोरेंट है वो देखते हैं और वहीं से मिलते हैं सीधा। सो जस्ट मेरा
आलू का जो परांठा है अभी ख़त्म हुआ है और पसंद इतना आ गया है यहाँ पे। पहली बात तो यहाँ पे फ़िलहाल एक कपल आया था वो चला गया और कोई है नहीं। दूसरी बात यह है कि पराठे की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, कॉफ़ी भी अच्छी है और यहाँ का जो एम्बियंस है वो देख लो। इस रूट के हिसाब से मुझे ये रेस्टोरेंट, ये कैफ़े बोल लो या रेस्टोरेंट बोल लो कुछ भी बोल लो, अच्छा लगा। प्लस इसका नाम तो बताना भूल ही गया, इसका नाम है बतोवन। जस्ट जो सेकंड टोल आता है सहारनपुर वाला उससे जस्ट 1 किलोमीटर पहले, 1 किलोमीटर भी नहीं 500 मीटर पहले ये है। तो अगर आप इस रूट पे आते हैं तो बतोवन में ज़रूर ट्राई कीजिए। इट्स रियली ग्रेट टू हैव लंच और डिनर और ब्रेकफास्ट एंड इवन स्नैक्स ओवर हियर। बस यही कहना था, ठीक है। तो भैया थैंक यू, आपने पराठे बहुत अच्छे बनाए हैं, पराठे और कॉफ़ी अच्छे बनाए हैं और भैया से हमने अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करा लिया। तो यार निकलेंगे यहाँ से अब क्योंकि जल्दी पहुँचना है, वहाँ पे 2-3 दोस्त वेट कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं राइड को दोबारा से। देहरादून पहुंचने के बाद मुझे पता लगा कि मेरे जो माइक की वायर है वो अंदर से कट गई है, यानी पहाड़ों के साथ गुजारा गया इतने टाइम बाद वो लम्हा, वो रिकॉर्डिंग्स सब बेकार हो गई। चलो कोई नहीं, होता है, लाइफ है, पार्ट ऑफ लाइफ है। तो इसके बाद मैं चला गया अपने होटल जो कि त्यागी रोड पे था और वहाँ जाके मुझे लग गई जबकि। तो भाई पहुंच गया था मैं यहाँ पे 3:30 बजे के अराउंड। फ़िलहाल मैं होटल आश्रय जो कि रेलवे स्टेशन के, देहरादून रेलवे स्टेशन के पीछे है, वहाँ पे स्टे कर रहा हूँ। आते सार ही पता नहीं क्या हुआ, एकदम से बस सामान थोड़ा बहुत इधर उधर रखा, देखो इस तरीके से, और उसके बाद मैं सीधा पीछे बिस्तर पर जाके पड़ गया। मतलब इतनी ज़बरदस्त नींद आई कुछ पता ही नहीं चला। और अब टाइम हो गया 6, तो अभी फ़िलहाल मैं आपको मिलवाता हूँ जिनकी वजह से ये ट्रैक हो रहा है, जिनकी वजह से एक्चुअली मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि ये सारा प्लान उनका था। अगर ये प्लान नहीं होता तो शायद जो अपना इतने दिन से अकाल पड़ा हुआ था ट्रैवल का वो टूट नहीं पाता। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं उनके पास सीधा। उनका नाम है एडी और अरोही देसाई। कहानी बहुत लंबी है, जब हम लोगों ने चादर ट्रैक का प्लान किया था तो तब भी इन्होंने ही ऑर्गेनाइज़ करवाया था, पर अनफॉर्चुनेटली ये जा नहीं पाए थे। पर इस बारी भी इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और इस बारी ये जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी तक का सफ़र कैसा रहा आपका? माय गॉड अमेजिंग, ये प्लानिंग इतनी मुश्किल से हुई है बट फाइनली वी आर हियर एंड सो हैप्पी। ये बताओ ठंड ठंड कैसी लग रही है? तो अभी का प्लान ये है कि हम लोग यहाँ पे कैफे में बैठे हैं, दिखा देता हूँ थोड़ा। नाइस कलेक्शन है और सबसे बड़ी बात है यहाँ के जो ओनर है वो भी बहुत बड़े बाइकर लग रहे हैं क्योंकि बाहर इतनी सारी उनकी बाइक्स खड़ी हुई हैं और यहाँ पे बुलेट। तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा फ्रेश हो रहे हैं और जो है चाय वाय ले रहे हैं, उसके बाद थोड़ा आउटिंग करेंगे बाहर की। एक फ्रेंड और आ रहा है, उससे एक बहुत ज़रूरी काम है तो वो करेंगे और फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि कल जो है एक
बहुत ज़बरदस्त चीज़ स्टार्ट होने वाली है, उसके बारे में थोड़ी देर बाद बताऊँगा। तो लेट्स गो, चलते हैं भाई। ये रहे देहरादून की मशहूर शख्सियत माउंटेन बालक भाई। इनका अकाउंट पहले बहुत अच्छा था और अभी भी बहुत अच्छा है, पर कुछ कारण की वजह से ना इनका जो अकाउंट है वो हैक हो गया था। तो यहाँ पे लिंक आ जाएगा स्क्रीन पे, भाई के अकाउंट को जरूर फॉलो करना भाई, और भाई के भी वो तो है। और भाई को मैं दे रहा हूँ अपनी, लो भाई पकड़ लो, KTM बाइक दे रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, मतलब अपनी जान अपनी जान इनके हाथ में समा रहा हूँ भाई। इसी के साथ सेफ रहेगी। अरे नहीं भाई, भरोसा है तभी दी जा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी के साथ इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे। बताना ये चाहूँगा कि हम लोग जा रहे हैं केदारकंठा, तो उसकी जो सीरीज है वो कल से मैं शुरू करूँगा। तो फिलहाल के लिए यार थकान बहुत हो रही है, थोड़ा हम लोग डिनर विनर करेंगे और थोड़ा टाइम भाई के साथ स्पेंड करेंगे, प्लस एडी भी आ रही है, तो हम तीनों जा रहे हैं कुछ खाने पीने। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।